लोगों का फिर से एसकेएच नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि अपन फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी अपने सीरीज को कंटिन्यूअस करते हुए आज की क्लास में अपन बात करेंगे हाइपोकैल्सेमिया के बारे में। आज की क्लास में अपन बात करेंगे हाइपोकैल्सेमिया के बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी अपकमिंग क्लास होगी उसका वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी टॉपिक मिस ना करो। क्योंकि हम ऐसे रेंडमली कोई टॉपिक चूज नहीं करते, पूरा सिस्टम बाय सिस्टम मेडिकल सर्जिकल स्टडी करते हैं। जैसे अपना अभी ये सिस्टम चल रहा है, तो इसको कंप्लीट होने के बाद अपन नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे और उस सिस्टम को भी स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से अगर आप कंटिन्यूअसली लिंक बना के रखोगे तो पूरी मेडिकल सर्जिकल को अपन अच्छे से स्टडी करेंगे। इसके साथ इससे जो भी इम्पोर्टेंट MCQs आते हैं उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। इसके अलावा आपके जो भी कमेंट क्वेश्चंस हैं या जो भी डाउट्स हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या जो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे रखी है आपको उस पर भी मेल कर सकते हो आप। और आपको उनका अप्रोप्रिएट हर क्वेश्चन की मैं कोशिश करूंगा कि आपको अप्रोप्रिएट आंसर प्रोवाइड किया जाए। और इसके साथ में एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि आपके जो भी सजेशंस है या जो फीडबैक है वो ज़रूर दे, क्योंकि आपके जो सजेशंस है या फीडबैक है वो हेल्प करते हैं हमारी अपने कंटेंट को और क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास हाइपोकैल्सेमिया। आज का अपना टॉपिक है क्लास का हाइपोकैल्सेमिया। तो नाम से ही पता चल रहा है कैल्सेमिया मीन्स कैल्शियम। और कैल्शियम क्या है, अपनी बॉडी के अंदर एक आयन होता है जो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। अपन ने पढ़ा था जब केटायन पढ़े थे तो केटायन के अंदर एक कैल्शियम भी था जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। और एक बात बता दूं कि अपनी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होता है उसका लगभग 99% स्टोर्ड रहता है, स्टोर्ड इन बोन्स। अपनी बॉडी के अंदर जितना कैल्शियम होता है उस कैल्शियम का 99% कहाँ पे रहता है, अपनी बोन के अंदर। बाकी जो रिमेनिंग 1% और लेस देन 1% होता है अपने सीरम के अंदर। तो सीरम के अंदर जो होता है उसका लेवल होता है, सीरम कैल्शियम लेवल होता है 9.02 10.5 mg पर डेसीलीटर। कितना होता है, 9.02 10.5 mg पर डेसीलीटर, इतना कैल्शियम सीरम के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसी को मिली इक्विलेंट में लिखते हैं 4.52 5.5 मिली इक्विलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल कैल्शियम अपने सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल होता है। देन अपने डिजीज कंडीशन हाइपोकैल्सेमिया। तो हाइपोकैल्सेमिया मीन्स डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेस देन 9.0 mg पर डेसीलीटर। अगर 9.0 mg पर डेसीलीटर से कम हो रहा है सीरम कैल्शियम तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया इज नोन एज डिक्रीज्ड सीरम कैल्शियम लेवल लेस देन 9.0 mg पर डेसीलीटर। इस कंडीशन को अपने को बोलना है हाइपोकैल्सेमिया। अब अपन बात करते हैं कोज की, कि कौन कौन से वो कारण होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पर्सन के अंदर हाइपोकैल्सेमिया डेवलप होने के लिए। तो दो कारण होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है डिक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्बेशन फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, कि जीआई ट्रैक्ट से अपने कैल्शियम का अब्जॉर्बेशन ही ना हो, कैल्शियम का अब्जॉर्बेशन ना हो। और अब्जॉर्बेशन कैसे नहीं होगा, देखो एक हो सकता है डिक्रीज्ड डाइटरी इंटेक। अगर बंदा डाइट के अंदर कैल्शियम लेगा ही नहीं, कैल्शियम खाएगा ही नहीं, तो कैल्शियम का अब्जॉर्बेशन कहाँ से होगा, तो डिक्रीज्ड डाइटरी इंटेक। दूसरी चीज, डाइट में तो ले रहा है लेकिन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, मींस माल अब्जॉर्बेशन सिंड्रोम। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैल्शियम को किसी डिजीज के कारण अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल
क्रोन्स डिजीज, अगर किसी पर्सन के अंदर क्रोन्स डिजीज है तो क्रोन्स डिजीज के कारण कैल्शियम का अब्जॉर्पेशन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा और हाइपोकैल्शेमिया डेवलप हो जाएगा। तो फर्स्ट वन डिक्रीज डाइटरी इंटेक और सेकंड वन माल अब्जॉर्पेशन सिंड्रोम। इसके अलावा क्या होता है, कैल्शियम के अब्जॉर्पेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन डी। तो डिक्रीज इंटेक ऑफ विटामिन डी, अगर कोई पर्सन डाइट के अंदर विटामिन डी नहीं ले रहा है तो उस कारण भी क्या हो सकता है, कैल्शियम का अब्जॉर्पेशन डिक्रीज हो सकता है, डिक्रीज द इंटेक ऑफ विटामिन डी। तो ये तीन कारण होते हैं जिनमें क्या होता है, कैल्शियम का अब्जॉर्पेशन डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्शेमिया डेवलप हो जाता है। देन सेकेंड जो कोज होते हैं उनकी मैं बात करूँ तो सेकेंड कैटेगरी होती है इंक्रीज द कैल्शियम एक्सक्रीशन। इंक्रीज द कैल्शियम एक्सक्रीशन, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनके अंदर कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है, कैल्शियम बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, जो डाइट के अंदर कैल्शियम लिया वो अब्जॉर्ब ना होके क्या होता है, यूटिलाइज ना होके सीधा बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हाइपोकैल्शेमिया डेवलप हो जाता है। जैसे रीनल फेलियर के अंदर भी कौन सी स्टेज, पोलीयूरिक, पोलीयूरिया स्टेज। रिनल फेलियर के अंदर दो स्टेज देखने को मिलती है, फर्स्ट वन होती है ओलिगोयूरिक स्टेज, जो अर्ली स्टेज होती है, देन जब रिकवरी होती है रिनल फेलियर के अंदर तो पोलीयूरिक स्टेज देखने को मिलती है। ये कौन सी है, रिकवरी के टाइम देखने को मिलती है पोलीयूरिया स्टेज। तो इस स्टेज के अंदर पोलीयूरिया होगा तो कैल्शियम का भी एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, देन दिस कंडीशन लीड्स टू हाइपोकैल्शेमिया। तो रिनल फेलियर के अंदर, देन डायरिया के अंदर, डायरिया, देन स्टेटोरिया। तो ये कुछ कंडीशंस होती है रिनल फेलियर, डायरिया एंड स्टेटोरिया, जिनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्शेमिया डेवलप हो जाता है। देन थर्ड वन है अदर डिजीज, कुछ अदर डिजीज भी होती है जैसे कि हाइपोपेराथायरोडिज्म। हाइपोपेराथायरोडिज्म, हाइपोपेराथायरोडिज्म मीन्स डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पेराथायरोइड हार्मोन। पेराथायरोइड हार्मोन जो कि पेराथायरोइड ग्लैंड का हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और पेराथायरोइड हार्मोन का काम क्या होता है, पेराथायरोइड हार्मोन ये काम करता है, अपन पढ़ते हैं बोन्स, और बोन्स के अंदर जो कैल्शियम होता है, बोन्स के अंदर जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम को ब्लड के अंदर रिलीज करवाने का काम करता है पैराथायरॉइड हार्मोन। बोन के कैल्शियम को ब्लड के अंदर रिलीज करवाने का काम करता है पैराथायरॉइड हार्मोन। तो जब पैराथायरॉइड हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम था वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ये एंडोक्राइन डिजीज होती है हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, जिसके कारण भी हाइपोकैल्शेमिया डेवलप हो सकता है। देन इसके बाद अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, क्लिनिकल फीचर्स कि अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्शेमिया डेवलप हो जाए तो अपने को कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे अपने को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर अपन पढ़ते हैं मायोकार्डियम, क्या पढ़ते हैं, मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम के अंदर होता है कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। और उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम आयन, कौन होता है, कैल्शियम आयन। तो अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो मायोकार्डियम के जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मीन्स डिक्रीज्ड हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और कैसी हो जाएगी, वीक पल्स, पल्स कैसी हो जाएगी, वीक होगी,
दिस रिदम या देखने को मिलेगा, या देखने को मिलेगा दिस रिदमिया, देन ब्लड वेसल्स की भी कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी कम हो जाएगी और देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन, क्या डेवलप हो जाएगा हाइपोटेंशन। तो इस तरह से पल्स रेट डिक्रीज मिलेगी, वीक पल्स मिलेगी, डिसरिथमिया एंड हाइपोटेंशन, ये जनरल क्लिनिकल फीचर्स अपने को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड मिलेंगे। देन इसके साथ इम्पोर्टेंट चेंज मिलेगा अपने को ईसीजी में, किसमें मिलेगा ईसीजी में। नॉर्मल अपन ईसीजी देखते हैं पी क्यू आर एस एंड टी, पी क्यू आर एस एंड टी। यूजुअली क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है अपने वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन को, किसको रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन को, यम कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब कैल्शियम कम हो रहा है तो कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। कैल्शियम कम हो रहा है तो डिक्रीज कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मसल्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, अच्छे से स्ट्रेंथली ये कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पाएगी। मीन्स जैसे पहले फास्टली कॉन्ट्रेक्शन हो रखे थे, वो जो रिदम थी वो मेंटेन नहीं होगी, अब स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, ऐसे ये डल से कॉन्ट्रेक्शन होंगे। तो कॉन्ट्रेक्शन के अंदर टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। कॉन्ट्रेक्शन के अंदर टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और कॉन्ट्रेक्शन के अंदर टाइम ज्यादा लगेगा तो ये जो क्यूटी इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल, जो क्यूटी इंटरवल होता है ईसीजी के अंदर, वो हाइपोकैल्शेमिया के अंदर कैसा मिलेगा, प्रोलोंग्ड मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि हाइपोकैल्शेमिया की ईसीजी के अंदर क्या चेंज मिलेंगे। तो हाइपोकैल्शेमिया के पेशेंट की ईसीजी के अंदर क्यूटी इंटरवल प्रोलोंग्ड मिलेगा, क्योंकि मायोकार्डियम की कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी कम हो गई क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण। देन अपन सेकंड बात करें रेस्पायरेटरी सिस्टम की, रेस्पायरेटरी सिस्टम की। तो वैसे तो रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं मिलते सी अगर जब तक सीवियर स्टेज नहीं हो, लेकिन रेस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। क्यों? ड्यू टू टेटेनी, टेटेनी के कारण रेस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, और ये होगा सीवियर स्टेज में। नॉर्मल माइल्ड स्टेज के अंदर नहीं होगा। अगर हाइपोकैल्शेमिया सीवियर टाइप का हो गया तो उस कंडीशन में रेस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, और रेस्पायरेटरी फेलियर के कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। देन थर्ड वन न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर, न्यूरोमस्कुलर के अंदर क्या मिलेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रेक्शन मिलेंगे अपने को, सीजर्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मसल कॉन्ट्रेक्शन मिलेंगे, सीजर्स मिलेंगे, डिक्रीज्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्स मिलेगी, तो मसल कॉन्ट्रेक्शन, सीजर एंड डिक्रीज्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्स। इसके अलावा दो टेटनी के स्पेसिफिक साइन भी देखने को मिलेंगे अपने को, जिसके अंदर एक होता है प्रोसियो साइन, कौन सा, प्रोसियो साइन, और दूसरा होता है चेवोस्टेक, चेवोस्टेक साइन। तो दो साइन देखने को मिलेंगे, ट्रोसियो साइन एंड चेवोस्टेक साइन, ये दोनों होते हैं टेटनी के साइन जो हाइपो कैल्शेमिया के अंदर देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है दोनों के अंदर, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रोसियो साइन की। ट्रोसियो साइन मीन्स अपन जिस पेशेंट के अंदर हाइपो कैल्शेमिया है उसमें क्या करेंगे, बीपी कप लगाएंगे अपन, बीपी कप बांधने के बाद, टाई करने के बाद अपन प्रेशर या एयर इम्प्लांट करेंगे बीपी कप के अंदर। और एयर इम्प्लांट कितनी करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ मैं आपको। ट्रोसियोसाइन,
साइन, प्रोसियो साइन के अंदर अपन क्या करेंगे, बीपी का पुट करेंगे, देन इन्फ्लाट करेंगे, इन्फ्लाट मोर देन सिस्टोलिक, जितना सिस्टोलिक प्रेशर है उसका उससे ज्यादा प्रेशर को इन्फ्लाट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन इन मसल्स ऑफ हैंड एंड फिंगर्स, जो हाथ की और फिंगर्स की मसल्स होगी उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन आ जाएंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव ट्रोसियो साइन, और ये इंडिकेट करता है टेटेनी को और हाइपोकैल्सेमिया को। तो फर्स्ट वन तो हो गया अपने ट्रोसियो साइन, और सेकंड वन होता है चेवोस्टेक साइन। चेवोस्टेक साइन के अंदर क्या करते हैं अपन, जो अपने फेस की मसल्स होती है यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ ईयर, यहाँ की जो मसल्स होती है उन पे अपन क्या करते हैं, माइल्ड टेपिंग करेंगे हाथ से। हाथ से क्या करेंगे, माइल्ड टेपिंग। माइल्ड टेपिंग ऑन मसल्स इन फ्रंट ऑफ ईयर, कान के सामने की जो मसल्स है उन पे माइल्ड टेपिंग करेंगे, और ऐसा करने से क्या मिलेगा उन मसल्स के अंदर, कॉन्ट्रेक्शन। अगर ऐसा कॉन्ट्रेक्शन मिल रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव चेवोस्टेक साइन, और पॉजिटिव चेवोस्टेक साइन भी इंडिकेट करता है हाइपोकैल्सेमिया को। तो इस तरह से ये दो स्पेसिफिक साइन होते हैं टेटनी के, बाकी जनरल रे अपन ने पढ़े मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड साइन है। देन जीआई सिस्टम से रिलेटेड भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, जीआई सिस्टम से रिलेटेड क्या मिलेगा, हाइपर एक्टिव बोवल साउंड मिलेंगे, एंड पेशेंट के अंदर मिलेगा डायरिया। हाइपर एक्टिव बोवल साउंड एंड डायरिया देखने को मिलेगा। इसके बाद अपने को इस कंडीशन को डायग्नोस करना होता है, तो डायग्नोसिस के लिए अपन करते हैं सीरम कैल्शियम लेवल, और सीरम कैल्शियम लेवल अपने को मिलेगा यहाँ पर डिक्रीज। इसके अलावा अपन ईसीजी भी कर सकते हैं, ईसीजी के अंदर क्या मिलेगा, प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल, प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल ईसीजी के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये जनरल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं, अपन नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल से डिजीज कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक साइन है उनकी मदद से, जैसे पॉजिटिव टॉर्चियो साइन, चेवोस्टेक साइन, उन साइन की हेल्प से भी अपन क्या कर सकते हैं, इस डिजीज कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस होने के बाद अपने को ट्रीटमेंट करना होता है, और ट्रीटमेंट के लिए अपन यूज करते हैं आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं पेशेंट को। इसके अलावा ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट, ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट, देन अब्जॉर्पेशन को बढ़ाने के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट, क्योंकि कैल्शियम के अब्जॉर्पेशन के लिए क्या जरूरी होता है, विटामिन डी नेसेसरी होता है, तो विटामिन डी सप्लीमेंट भी देंगे पेशेंट को। देन डाइटरी इंटेक ऑफ कैल्शियम भी इंक्रीज करेंगे, जैसे कि चीज, बटर, मिल्क, तो ये सारे सारे जो कैल्शियम के सोर्स है, स्पिनाच, तो ऐसी डाइट अपन पेशेंट को कैल्शियम रिच डाइट प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरह से ये अपनी आज की डिजीज कंडीशन हाइपोकैल्सेमिया, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में या मेल करके हमें बताएं, हम उनका अप्रोप्रिएट आंसर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे।